नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव बहुगुणा गढ़वाली में। दोस्तों, आज हम ले चलते हैं आपको रांची स्टेडियम, जो कि एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई वाला स्टेडियम है। और जो पहला सबसे ऊंचाई वाला स्टेडियम है वो है चायल क्रिकेट ग्राउंड सोलन में, और सोलन हिमाचल प्रदेश में। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो लगभग 7300 फीट की ऊँचाई है, और रांची स्टेडियम की ऊंचाई लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। ये स्टेडियम दोस्तों पौड़ी मार्केट से थोड़ा सा ऊपर कंडोलिया है, और कंडोलिया से भी थोड़ा सा ऊपर ये रांची स्टेडियम है पौड़ी का, जो कि बहुत बेहतरीन स्टेडियम है। तो चलते हैं दोस्तों आज इसी स्टेडियम में। और अभी हम आ चुके हैं कंडोलिया। ये खूबसूरत से नज़ारे चारों तरफ देवदार के वृक्षों से चारों तरफ एक घिरा हुआ रास्ता, और यह है कंडोलिया। और आप नीचे देख सकते हैं दोस्तों ये कंडोलिया पार्क, और यहीं से थोड़ा सा ऊपर स्थित है रांची स्टेडियम, जो कि एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई वाला स्टेडियम है। और ये बहुत सुंदर नज़ारा और देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ ये नज़ारा। तो चलते हैं दोस्तों, और अब पहुंच चुके हैं दोस्तों हम शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह महावीर चक्र स्टेडियम पौड़ी गढ़वाल रांची स्टेडियम। और ये बाहर का नज़ारा है दोस्तों, और ये राइफलमैन शहीद जसवंत सिंह जी के नाम से ये स्टेडियम, इस स्टेडियम का नाम रखा गया है। और ये बाहर का नज़ारा ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल बाउंड्री लगी हुई है और गेट भी अभी बंद है, ये आप देख सकते हैं। और जसवंत सिंह वही वीर योद्धा हैं दोस्तों, जो चीन की लड़ाई में जिन्होंने 300 चीनी सैनिकों को अकेले ही मार गिरा दिया था। और कहते हैं कि आज भी वो हमारी चीन की जो सीमा है वहाँ पर आज भी ड्यूटी करते हैं, मरने के बाद भी ड्यूटी करते हैं। तो ऐसे महान सेनानी को हमारा कोटि कोटि नमन, उनको वंदन। और ये है दोस्तों अंदर का नज़ारा, अब हम चल आपको दिखाते हैं। और ये है खूबसूरत सा स्टेडियम, और अभी हम इसके अंदर जाएंगे ये। और अब आ चुके हैं दोस्तों हम ग्राउंड के बिल्कुल अंदर, और ये आप देख सकते हैं एक तरफ से पूरी बिल्कुल पहाड़ियों से घिरा हुआ, और ये सामने मेन गेट, और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ ये बिल्कुल मैदान। और चारों तरफ से अभी हम आपको दिखा रहे हैं इस मैदान को, ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मैदान, शानदार। और ये देखिए दोस्तों, अब आपको हम पीछे का नज़ारा दिखाते हैं। ये पीछे ये लगभग ये देखिए, ये पूरा इलाका ये देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है, और ये स्टेडियम का पीछे वाला भाग है। और देवदार के पेड़ जो होते हैं दोस्तों वो लगभग 1500 मीटर से और लगभग 3200 मीटर के आसपास की जो ऊंचाई वाले स्थान होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। और ये जो स्टेडियम है इसकी ऊँचाई भी लगभग 7000 फीट, यानी कि 2100 मीटर या इससे भी कुछ ज़्यादा है इस स्टेडियम की ऊंचाई। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दर्शकों के लिए बैठने के लिए बनाए गए हैं जब यहाँ पर मैच होते हैं, ताकि दर्शक आराम से मैच देख सकें। और ये है दोस्तों बिल्कुल सामने वाला जो फ्रंट गेट है सामने, और ऊपर दोस्तों बिल्कुल पहाड़ी पहाड़, और बीच में स्टेडियम, और नीचे की साइड आप देख सकते हैं देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ ये बिल्कुल जंगल। और यहाँ पे निर्माण कार्य हो रहा है, और कुछ टाइम बाद ये और भी शानदार ये स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा। और ये है दोस्तों पिच, जो कि बिल्कुल स्टेडियम के बिल्कुल बीचों बीच में बनाई गई है, और ये क्रिकेट की पिच है, और इसे हम देखते हैं। इस पर हल्की हल्की दरारें भी हैं अगर हम आपको नज़दीक से दिखाएं, और शायद धूप से ये थोड़ा सा खुल गई है ये। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को देखा, और
हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।